तो यहाँ पर हम जा रहे हैं और आप देखेंगे तो थोड़ा सा कीचड़ है सामने की तरफ, और हाँ कीचड़ को इस बाइक ने पार कर लिया है अच्छे से। बाकी एक चढ़ाई है, इसको चलाकर देखते हैं। हालांकि टॉप स्पीड तो 25 किलोमीटर देखते हैं, छोटी छोटी चढ़ाइयों को चढ़ती है और आसानी से इस बाइक ने चला लिया, कोई भी दिक्कत इसको यहाँ पर नहीं हुई है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों आज हम आए हैं हैदराबाद के सुंदर से गांव काजीपेला में, जहां पर हम टेस्ट राइड करने जा रहे हैं इस KGF बाइक जैसी दिखने वाली इलेक्ट्रिक बाइक एटम 1.0 को। मैं आपको पहले चलाने से पहले बता दूं कि इस बाइक में देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नहीं लगती है और ना ही इसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है दोस्तों वो है 25 किलोमीटर पर आर। लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट का यूज़ करेंगे और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जब भी आप कोई बाइक चलाए, कोई इलेक्ट्रिक बाइक चलाए, आप हेलमेट ज़रूर पहनिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बाइक का टेस्ट राइड रिव्यू शुरू करते हैं और इस रिव्यू के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के टेस्ट राइड कर लें। तो प्यारे दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं टेस्ट राइड इस एटम 1.0 को। तो चलिए इसकी टेस्ट राइड शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही 90s के ज़माने की तरह एक की मिलेगी जिसको हम ऑन करते हैं, तो यहाँ पे छोटी सी जो है डैशबोर्ड चल जाती है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो करीब 2:30 बजे हैं, अच्छा खासा दिन है और यहाँ पर डिस्प्ले जो है मुझे साफ दिख रही है। और अभी मैं एक बार स्टैंड सेंसर का चेक करें तो स्टैंड ऑन किया है, बाइक चलती है, इसका मतलब आपको इसमें स्टैंड सेंसर नहीं मिलेगा और ज़्यादा ऑन करने की झंझट नहीं है। देखिए यहाँ से आप ऑन करिए, 0 और 1 होगा, 0 में कुछ नहीं होता है, 1 से अगर आप चलाएंगे तो बाइक ऑन हो जाती है। तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तो पीछे काफ़ी पीछे बैठ के, तो थोड़ा सा पीछे बैठकर आप इस बाइक को चलाते हैं तो एक ऐसा लगता है कि आप कोई मूवी में गेम खेल रहे हैं, इस तरह की मूवी आपको फीलिंग आती है। तो यहाँ पर अभी हम डाउन पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं और आप देखेंगे तो थोड़ा सा कीचड़ है सामने की तरफ, और हाँ कीचड़ को इस बाइक ने पार कर लिया है अच्छे से। तो बाकी इन खड्डों में मुझे सस्पेंशन भी अभी तक इसका ठीक लगा है। देखिए जैसा इसकी कीमत है 55,000 रुपये, उस हिसाब से सस्पेंशन ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी हम टफ सरफेस पे इसको चला रहे हैं तो जो उसका चेंजेस है थोड़ा सा खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ भी करता है, पर चलाने में इसको एक ऐसा लगता है कि गेम की वाइब आती है और सचमुच आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आप रॉकी भाई है। बाकी मोटे टायर्स हैं तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छा है। तो चल पड़े हैं हम इस खूबसूरत गांव के बीच, तो देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी कैपेसिटी दिख रही है और यहाँ पर दिख रहा है 31 डिग्री टेम्परेचर भी शो हो रहा है। तो जब मैंने अरुण से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर 35 डिग्री टेम्परेचर होता है तो बैटरी को उस वक्त हमें चार्ज पर नहीं लगाना चाहिए। और टॉप स्पीड इस बाइक की है 25 किलोमीटर पर आर और अभी हम टॉप स्पीड पर चल रहे हैं। और अगर हम बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ईजी है इसे चलाना, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेड कलर का आपको यहाँ पर हेडलाइट के लिए बटन मिल जाता है और ग्रीन कलर का यहाँ पे हॉर्न पर बटन मिल जाता है, और हॉर्न इसका अच्छा खासा लाउड हॉर्न इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर बस 2-3 बटन है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर का बटन छोटा सा मिल जाएगा। तो बटन्स भी ज़्यादा आपको नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहती है, बस आपको इसे ड्राइव करने में आसानी होने वाली है। इसी के साथ जो बाइक है उसकी जो हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा खड्डा आया और ब्रेक लगाई तो देखिए ब्रेक यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक हो जा रही है और मुझे बार बार इस तरह से करना पड़ रहा है। तो ब्रेक में यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है इस बाइक की, मुझे लगता है कंपनी को इसकी जो है ब्रेक पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेक नॉट अप टू द मार्क है इसकी। और कंफर्ट अच्छा है राइडर के लिए, अच्छा कंफर्ट है अभी तक। अगर आप टफ सरफेस भी चलाते हैं तो राइडर को जो कंफर्ट है वो ठीक ठाक मिलने वाला है। एक और स्पीड ब्रेकर यहाँ पर आ चुका है, फिर से मैं थोड़ा ब्रेक लगाता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्पीड ब्रेकर के वक्त ये यहाँ पर फिर से ब्रेक रुक गई है, ब्लॉक हो गई और फिर मैंने इस तरह से खोला तो ये थोड़ा सा इरीटेटिंग हो जाता है आपकी राइड में अगर बार बार आपकी ब्रेक ऐसे लगती रहे। लेकिन अगर आप इसके यूज्ड हो जाएंगे तो फिर तो आपको आदत ही हो जाएगी और आप फिर आसानी से निकाल सकते हैं इसको कहीं से भी। बाकी जो ब्रेक्स है वो आपको पैरों पर नहीं मिलती है, दोनों फ्रंट और रेयर ब्रेक का जो है आपको हैंडल्स पर ही मिलती है इसके।
तो सस्पेंशन ठीक है इसका, काफ़ी ख़राब सड़कें हैं लेकिन एज अ राइडर मुझे कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है सस्पेंशन में, लेकिन हाँ बाइक की खड़बड़ाहट तो रहती है। और जो उसके टायर्स है उसकी ग्रिप का मुझे ऐसा साउंड आता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी हैंडलिंग को अगर टेस्ट करें तो हल्की बाइक है, हैंडलिंग ठीक ठाक है। तो और बाकी जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, बाकी अगर हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग भी इसकी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब अगर आप एक खुली सड़कों में चला रहे हैं तो आपके लिए कंफर्टेबल ही होगा। तो ओवरऑल अभी परफॉर्मेंस में मुझे सिर्फ ब्रेक्स में इसके प्रॉब्लम लगी है, और तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती क्योंकि इसका जो रेट है वो 55,000 के आसपास है, तो उसमें अब ऐसा तो है नहीं कि आपको एक बहुत अच्छा टॉर्क मिलेगा और बहुत ज़्यादा ही अच्छी आप परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर आप मान कर चलेंगे, लेकिन जो ब्रेक्स है उसको मुझे लगता है और बेहतर करने की ज़रूरत है यहाँ पर कंपनी को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर देखिए 31 था, बढ़ गया अब 34 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर भी यहाँ पर आपको दिखता रहता है। कोई ज़्यादा मोड्स नहीं है, सिर्फ एक मोड मिलता है क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आर ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ज़ीरो को कुछ करते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, एक पर ही आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं इस बाइक को। टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो 33 डिग्री परसेंट अब हो गया है, तो पहले 31% था तो अब टेम्परेचर भी जो है बढ़ गया है, तो काफ़ी अच्छी जो है इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन जो ब्रेक्स है उस पर थोड़ा सा कंपनी और ध्यान देना चाहिए, ब्रेक्स इसमें और अच्छी क्वालिटी की कंपनी को लगानी चाहिए, और बटन की क्वालिटीज भी ठीक ठाक ही है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी को, हमारे देश के राष्ट्रपिता, जय हिंद। तो चलिए और थोड़ा सा इस बाइक को टेस्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने इस रिव्यू के दौरान अरुण से भी पूछा था, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये बाइक जो है जो कॉलेज गोइंग किड्स हैं उनके लिए ठीक है। तो अगर आप एक युवा पीढ़ी में हैं और एक कॉलेज को या स्कूल को जा रहे हैं तो एक बाइक चाहते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऑफिस जाने वाले इंसान हैं जो बाइक को अलग पर्पस के लिए भी यूज़ करेंगे, जिनको और जिनका जो अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए और ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए, क्योंकि इसमें बूट स्पेस है, यहाँ पर इसके बूट स्पेस है 14 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए, तो आप अलग बाइक्स के बारे में या अलग स्कूटर्स के बारे में सोच सकते हैं, ये आपके लिए चॉइस नहीं होगी ऐसे में। लेकिन आप अगर आपको एक स्टाइलिश लुक में, एक KGF लुक में पूरी जो है ये बाइक चाहिए, और आपका जो बजट है 55,000 के आसपास है, और आपको जो रेंज है करीब, अरुण ने मुझे बताया था कि वो 60 किलोमीटर डेली करते हैं लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है 100 किलोमीटर, तो चलिए मान के चलिए 80 किलोमीटर रेंज की आपकी नीड है डेली की, और 55,000 किलोमीटर का जो बजट है आपका, और 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर आपके लिए इनफ होती है तो आप श्योर इस बाइक के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ जो ये बाइक है इसको मेड इन इंडिया बाइक कहा जाता है, यहीं पर इसके तेलंगाना में, हैदराबाद में ही इसके कुछ प्लांट्स भी हैं, और अब तो कंपनी इसका एक नया वेरिएंट लेकर आ गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लोकेशंस है, देखिए यहाँ पर ये बहती धाराएं और आगे सुंदर फसलें। तो ऐसे में इस बाइक को चलाते हुए मन में कई गाने गुनगुनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम टेस्ट राइड कर रहे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। बस अगर आप एक ट्रैफिक वाली सड़कों में है ना, जहाँ पर अगर आपको बाइक में जो ब्रेक बार बार प्रेस करनी है तो आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम लगेगी, और अरुण ने मुझे बताया था कि थोड़ा सा इसकी स्क्रीन में जो है बारिशों में समस्या आ जाती है, तो बारिश में भी आप ज़्यादातर इस बाइक को, ज़्यादा बारिश हो रही है तो लेके नहीं जा पाएंगे। तो यही है, देखिए अगेन अगर आप थोड़ा बहुत एक स्कूल गोइंग किड है तो ही आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और थ्रोटल जो है थ्रोटल अच्छा है, ग्रिप अच्छी है, और जैसे कि जिनके हाथों में काफ़ी पसीना आता है जैसे मेरे हाथ, तो उनको भी एक अच्छी ग्रिप जो है मिल जाएगी इस थ्रोटल में, और बटन्स की क्वालिटी नॉर्मल है, ठीक ठाक ही है। टायर्स बड़े होने की वजह से अच्छे खासा आप जो है गड्ढों को पार कर लेते हैं,
लेकिन इसकी हैंडलिंग को जो है ज़्यादा स्पेस थोड़ा सा चाहिए रहता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप हैंडल घुमाते हैं ना तो पूरा बाइक घूमती है। तो कट वट मारने के लिए एकदम से कंफर्टेबल तो नहीं रहेगी आपके लिए, लेकिन ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छे से बाइक निकल जाती है। तो अगर आप एक पेरेंट हैं और सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे को कोई व्हीकल दिलाए लो स्पीड में, और आपका बच्चा जो है बाइक चलाना चाहता है, तो आप इसके बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। इसका नाम है एटम 1.0, और अब तो एटम वेदर भी आ गई है, जिसमें जो स्पेसिफिकेशंस है इसकी टॉप स्पीड है उसको बढ़ा दिया गया है। आप उसकी तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो काफ़ी टफ सरफेस है, काफ़ी खस्ता हालत है रोड की, लेकिन मैं ठीक ठाक से चल रहा हूँ। कोई ऐसी कोई मुझे एज अ राइडर दिक्कत नहीं है, हालांकि जो बाइक है वो खड़बड़ खड़बड़ कर रही है। बाकी एक चढ़ाई है, इसको चलाकर देखते हैं। हालांकि टॉप स्पीड तो 25 किलोमीटर देखते हैं, छोटी छोटी चढ़ाइयों को चढ़ती है और आसानी से इस बाइक ने चढ़ लिया। कोई भी दिक्कत इसको यहाँ पर नहीं हुई है, छोटी मोटी चढ़ाइयाँ ये बाइक आराम से चढ़ जाएगी। और बाइक को चलाते हुए ऐसे एकदम आप पीछे होकर बैठते हैं तो मज़ा आता है चलाते हुए, बिल्कुल आप बाइक के अंदर होते हैं। बाकी इसमें रिवर्स मोड नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, हालांकि वही अगेन 55,000 की कीमत में आपको ज़्यादा ऐसे फ़ीचर्स तो नहीं मिलेंगे। तो अगर आप फ़ीचर्स के दीवाने हैं तो आप किसी और बाइक के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस रेट में और कोई बाइक इस वक्त मार्केट में अवेलेबल होगी भी नहीं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इसकी कॉस्ट को लेकर, अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। लेकिन अगेन कंपनी को जो थोड़ा, जैसे वायर्स है यहाँ पर आप देखेंगे तो वायर्स की बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। ओपन वायर्स यहाँ पर आपको दिखती हैं, जिससे बारिश में जो है इजीली पानी जा सकता है, और इसके जो वायर्स है सीधा यहाँ पर हॉर्न बटन से कनेक्टेड है, स्क्रीन से कनेक्टेड है, तो ख़राबी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और ब्रेक्स जो है बार बार प्रेस करो तो ये देखिए, मैंने ब्रेक प्रेस करी है और ब्रेक यहीं पर अटक चुकी है। इसको मैं बाहर करूँगा तो यहाँ पर ब्लॉक हो गई है, फिर इसको अंदर, फिर इसको यहाँ, फिर इसको इस तरह। तो इस तरह से ब्रेक इसकी थोड़ी सी हालत थोड़ी ऐसी है। और हालांकि ये बाइक बहुत पुरानी नहीं है दोस्तों, सिर्फ अप्रैल में ली गई है, 4 महीने हुए इस बाइक को। तो बिल्ड क्वालिटी पर कंपनी बहुत अगर अच्छा ध्यान देती है, थोड़ी अच्छी इसमें और बिल्ड क्वालिटी दे, तो 55,000 में ये एक ठीक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो ये है दोस्तों आपकी एटम 1.0 इलेक्ट्रिक। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें आपको 100 किलोमीटर की रेंज का कंपनी दावा करती है, और इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 48 वॉल्ट 250 वॉट की जो है BLDC मोटर मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से बूट स्पेस मिल जाता है। ये रहा आपका कार्ड, ये आपका वारंटी कार्ड, ये बूट स्पेस 14 लीटर का। लेकिन इस बूट स्पेस में अगर आप गर्म सामान रखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर अरुण ने मुझे बताया कि उनकी चेजी जो है इस वजह से थोड़ी जल गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत गर्म सामान इसमें रखा था। तो गर्म सामान रखने से आप इसमें बचे। यहाँ पर आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, ये देखिए बैटरी। तो बैटरी को जो हमेशा बेल्ट से बांधे रखे, ताकि ये आप खड़बड़े रस्तों में चलाएं तो ख़राब ना हो, और ये बैटरी हिले ना अपनी जगह से। बैटरी गर्म नहीं हुई है, मैंने काफ़ी से चलाया, और मोटर भी ऐसे गर्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक ठाक बाइक ही आपके लिए रह सकती है। तो दोस्तों, ये था पूरा इस एटम 1.0 का टेस्ट राइड रिव्यू। अब आपको ये बाइक कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप अगर वीडियो यहाँ पर देख चुके हैं दोस्तों तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग EV संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।